नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुकुमार मुंजे, आपका दोस्त और होस्ट। मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, ये तो हमने सुना ही है बचपन से लेकर आज तक, जो भी आपकी उम्र है। अब तक सारे लोग आपको यही बोलते हैं कि बेटा कंसंट्रेट करो, पढ़ाई में बोलते थे, अभी हम जॉब भी कर रहे होंगे तो जॉब में भी यही बोलते हैं हमारे बॉस सीनियर कि कंसंट्रेट करो। तो ये कंसंट्रेशन है क्या और ये कैसे कर सकते हैं हम? तो एक मीथ है कि कंसंट्रेशन का मतलब है कि एक ही जगह पे फोकस्ड रहना, बट हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। लेजर फोकस्ड होना, हम ऐसे नहीं रह सकते एक जगह पे। तो कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है, तो उसकी कुछ टेक्निक्स मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप इस टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपना कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये जो मीथ है इस मीथ को भी दिमाग से डिलीट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए टिप नंबर वन, आपको ब्राह्मरी प्राणायाम करना चाहिए। अब ब्राह्मरी प्राणायाम कैसे किया जाता है हम आपको दिखाएंगे। ऐसे हाथ को यहां पे रखिए, इस उंगलियों को, अंगूठे को कान में डाल दीजिए और ऐसे कंटिन्यू अगले 1.5 मिनट, उसके बाद 3 मिनट, बाद में 5 और 10 मिनट तक आप कंटिन्यू करते हो तो आपका उससे उसके वजह से कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी नंबर 2, आप इसमें सूर्य नमस्कार का मारने से भी आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार आप शुरुआती में 10, आप बिगिनर है पहली बार कर रहे हैं तो 10, बाद में 20, 30, 40, 50 और 100 तक आप लेके जा सकते हैं। इससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मेंटली भी आप बहुत काम हो जाएंगे, जिसके वजह से आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। फिजिकल एक्टिविटी नंबर 3, आपको हर रोज 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। आप हर रोज 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपका मन शांत हो जाता है और आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्टेबल हो जाते हैं, जिससे आपकी विजुअलाइजेशन पावर भी अच्छी हो जाती है और आप प्रोडक्टिव थिंक करने लगते हैं, जिसके वजह से आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगता है। नंबर 4 पे आता है थंब कंसंट्रेशन। आपको यहां पे इस पॉइंट के ऊपर फोकस करना है और धीरे धीरे इसको राइट साइड पे लेके जाना है। पूरा लक्ष्य आपका उस थंब के ऊपर रहना चाहिए, उसको देखते रहिए। डीपली ब्रीथ इन, डीपली ब्रीथ आउट, एकदम अपने सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपका जो सिर है सीधा रहना चाहिए, सिर्फ आपकी आंखें उस थंब के साथ जा रही है, थंब को देख रही है और ऐसे करके 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 आप बराबर इस लेवल पे लेके आ सकते हैं राइट साइड पे। और यहां पे लाके थोड़ा होल्ड करना है, पूरा होल्ड करना है और धीरे धीरे उसको देखते देखते फिर एक बार ऐसे 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 ऐसे, इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होगा, आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा और बहुत ही शांत और आनंदी महसूस होगा। अब यहां पे लेके आइए और सीधा सामने रखिए, इसके ऊपर देखिए और आराम से आंखें बंद कर दीजिए और इसको नीचे रखिए। 3 टाइम डीपली इनहेल एक्सहेल करना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड को लेना है और सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और 5वां है मुनबत्ती त्राटक। तो एक मुनबत्ती को लगाना है आपको, आपके सामने बराबर यहां होनी चाहिए, ऐसे ये समझिए ये मुनबत्ती है और इसकी जो फ्लेम है उस फ्लेम का जो जिससे ब्लू कलर की एक फ्लेम होती है जहां से जल रहा है, एक तो ऑरेंज कलर रहेगा और इसके बाद एक ब्लू कलर की रहेगा, दो उसमें फ्लेम रहती है, वहां पे आपको देखते रहना है उस ब्लू फ्लेम को।
कंटिन्यूअसली आप देखते रहेंगे, थोड़ा आंखों में आपके पानी आएगा, बट आप देखते रहते हैं थोड़ा सा आप आंखों को थोड़ा रफ कर सकते हैं आराम से हल्के हाथ से। ऐसा आप पहले 1 मिनट के लिए, बाद में 3 मिनट के लिए, बाद में 4 मिनट के लिए, 5 मिनट तक आप कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। ये होगी आपकी डेली एक्सरसाइज, ये है फिजिकल एक्टिविटी। आप ये करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, इवन दो आपकी विजुअलाइजेशन पावर इंप्रूव हो जाएगी, और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और अच्छा भी फील होगा। फिजिकल एक्टिविटी के साथ हम कुछ डाइट भी फॉलो करते हैं तो उससे भी हमारा कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो सकता है। जैसे कि ब्रोकोली आप अपने रेगुलर इसमें भी आप ले सकते हैं, ब्रोकोली से भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सकता है। भिगोए हुए बादाम आप हर रोज सुबह 2 से 3 बादाम हर रोज खाते हैं तो उससे भी आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो सकता है। अखरोट भी खाने से आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपकी एंग्जाइटी, नेगेटिविटी और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ये सारे फ्रूट्स या डाइट आप मेंटेन करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं या डाइट मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा। ये जी भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है या आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।